सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आया हूँ आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन और आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल टिप्स की। और ये जो है पार्ट टू है, यानी यहाँ पे हमने जो प्रीवियस क्लास में देख रखा हुआ था कि रासायनिक इकाइयों की सहायता से कैसे बिलियन की सांद्रता निकाली जाए, तो उसके हमने कुल मिला के जो है 5-6 फार्मूले बता रखे हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें से पहला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, बिलय का भार ग्राम में बटा बिलियन का आयतन, ml में गुणे 1000। ml में रखने का जरूरत इसलिए है क्योंकि सवाल हमेशा ml में दे रखता है और हमें क्या करना होता है उसमें, हमें जो है ml में ही रखने के लिए हम गुणे 1000 करते हैं, अन्यथा आप जो है लीटर में भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ml में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला बनाया कि बिलय का भार बटा बिलियन का आयतन ml में गुणे 1000। मोलरता, मोलरता क्या होता है, बिलय के मोलों की संख्या, तो बिलय के मोलों की संख्या होता है बिलय का भार बटा बिलय का अणु भार, और यहीं उसी के बगल में आ जाएगा बिलियन का आयतन गुणे 1000। इसी तरीके से नॉर्मलता में भी आपने फार्मूला बना रखा हुआ है, बिलय का भार ग्राम में बटा तुल्यांकी भार बिलय का, उसी के साथ बिलियन का आयतन एमएल में रख के गुणे 1000 हमने कर दिया। मोललता की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि बिलय का भार बटा अणु भार तो होगा ही, लेकिन विलायक का भार ग्राम में होगा तब हम रखेंगे गुणे 1000। इसी प्रकार से बिलय का मोल प्रभाव जीएन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, और विलायक का मोल प्रभाव चाहे एक में से बिलय का मोल प्रभाव घटा दें या फिर एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन रख सकते हैं, जिसकी चर्चा हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा और इनमें से कुछ भी पूछ लेगा तो आप आसानी से उसे इस फार्मूले पर रख देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि क्या जो है क्या आप कहीं मिस तो नहीं कर जाएंगे, आपके द्वारा अगर कहीं में फार्मूले में अगर मिस्टेक, देखिए इतना कठिन तो है नहीं, बचपन से बार बार देख रहे हैं इसे, अब मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ इसलिए मुझे कठिन लग नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कोई नया बच्चा जो पहली बार इसे देख रहा हो तो उसे शायद समझने में कठिनाई आए। तो इसलिए ये जो मोलरता, नॉर्मलता और मोललता है ना, इसके संदर्भ में मैं आपको एक, यानी इससे रिलेटेड अगर मोलरता दिया हो, नॉर्मलता दिया हो या फिर मोललता दिया हो, तो इससे संदर्भ में मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूंगा, यम भी बराबर डब्लू अपान यम गुड़े 1000। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसकी सहायता से आप ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि ये फार्मूला मोलरता के लिए लागू होगी, आप इसे नोट भी कर लेंगे, नंबर एक मोलरता के लिए, ये हो गया हमने लिख दिया मोलरता के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यही ये अगर आपने याद रख दिया यम भी बराबर डब्लू अपान एम गुणे 1000, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आने वाले कई जगह पे आपको जो है इस फार्मूले का उपयोग करना ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं यम भी बराबर डब्लू अपान एम। तो इसमें क्या है, यम अपना मोलरता है जो हमें ज्ञात करना होगा या दिया होगा, भी हमें आयतन दिख ही रहा है कि कितने ml में या कितने उसमें घोला गया है, कितने ग्राम बिलय को घोला गया है w है, अणु भार m है और 1000 है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि नॉर्मलता के लिए क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलता के लिए भी यम को हमें क्या कर देना है, n कर देना है, n भी बराबर w अपान यमी गुणे 1000। ये फार्मूला हो जाएगा नॉर्मलता के लिए, देखिए कितना आसान है, नॉर्मलता मतलब कुछ नहीं, जैसा भी प्रश्न दिया है जो ज्ञात करना होगा वो यन है, आयतन दिया ही गया होगा, कितने ग्राम बिलय को घोला गया है ये दिया ही दिया गया होगा, एमी बस तुल्यांकी भार हो जाएगा, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता रखा, यानी नॉर्मलता में जो अणु भार होता है, मोलरता में जो अणु भार होता है वही नॉर्मलता में क्या हो जाता है, तुल्यांकी भार हो जाता है, फार्मूला सेम टू सेम हो गया। इसी तरीके से अगर मैं मोललता के लिए कहूं तो यम डैश कैपिटल डब्लू अपान यम गुड़े 1000। यम डैश इसलिए लिया हूं ताकि मोललता और अणुभार में आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये तो हो गया मोललता के लिए, कैपिटल डब्लू ग्राम में दिया ही होगा भाई 250 ग्राम या 500 ग्राम में, कितने ग्राम घोले गए हैं डब्लू दिया ही गया होगा, अणु भार आपको निकालना आता ही है गुणे 1000, और ये हो जाएगी बात किसके लिए, मोललता के लिए। और ये न्यूमेरिकल टिप्स आप जो है अपने नोट्स में तुरंत जो है पॉज करके आप नोट कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि किस तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन करके समझाया हूँ इन्हीं सब फार्मूलों की सहायता से।
यानी फॉर्मूले बड़े आसान हैं, ग्राम प्रति लीटर में कोई विशेष क्वेश्चन पूछता नहीं, अगर पूछ भी लिया तो हमें तो विलेय का भार बटा विलयन का आयतन एमएल में रख के गुणे 1000 करना। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपने एम भी बराबर डब्ल्यू अपान एम गुणे 1000 रख लिया है तो आपको कतई निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पर आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही जैसे हैं, बस हमने कहीं चेंजिंग की है। क्या क्या चेंजिंग की है भाई? मोलरता में अड़ुभार रहेगा तो नॉर्मलता में क्या रहेगा, तुल्यांकी भार रहेगा तो मोललता में क्या रहेगा, आयतन नहीं रहेगा, कैपिटल डब्ल्यू रहेगा, बस भार रहेगा, ग्राम में रहेगा, बाकी सब सेम टू सेम। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनता है? पहला क्वेश्चन है, यदि 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में मिश्रित किया गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है आपको, आंसर लिखना है। हम जानते हैं, क्या जानते हो भी? हम जानते हैं यम भी बराबर डब्लू अपान यम गुड़े 1000। कुछ नहीं करना है, यम ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है, चलिए ठीक है। भी आयतन कितना दिया गया है? 250 ml। कितने ग्राम को घोला गया? 4 ग्राम। उसका अड़ुभार कौन है? NaOH। NaOH का अड़ुभार आपने 40 निकाल के रखा हुआ, गुणे 1000। 250 चौक 1000 जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा यम बराबर 4 × 40, 2 × 2, 2×5, 10। यानी आपका यहाँ पे जो मोलरता आ गई, मोलरता कैपिटल एम आ गया है, वो आ गया है 0.520। और मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे, मोल प्रति लीटर। बहुत इजी है, देखिए किस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब ये क्वेश्चन हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया आपको? अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि 5.85 ग्राम नमक को 5.85 ग्राम नमक को किसमें घोला गया? 300 ग्राम जल में घोला गया, 300 ग्राम जल में घुला हो तो, घुला देखिए घोला गया और घुला हो में भाई ये अंतर है, इसलिए मैं जल में घुला हो तो, क्योंकि ऑलरेडी घुला है वो, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें, नॉर्मलता ज्ञात करें। तो नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे? वही सेम फार्मूला, एन भी बराबर डब्ल्यू अपान एम गुणे 1000। मैं कह रहा हूं आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप जो है, हम जानते हैं और आप जानते हैं क्या, कि एन भी बराबर डब्ल्यू अपान एम गुणे 1000। एन आपको ज्ञात करना है, भी आपको 300 ml था, माफ करिएगा, नॉर्मलता ज्ञात करना है, तो 300 ml लेंगे। ये क्वेश्चन आप, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तो 300 बराबर डब्ल्यू कितना? 5.85। यमी था ये, नॉर्मलता के लिए हम क्या यूज करते हैं? यमी करते हैं, और यमी है तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार होता है अड़ु भार बटा यन, ये मैंने पहले ही बता रखा हुआ, तो अड़ु भार बटा यन, तो यन तो NaCl के लिए एक ही है, क्योंकि Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, आपने कल वाली वीडियो में देख ही लिया होगा कि किस तरीके से मैंने तुल्यांकी भार निकालना बताया। तो NaCl का जो अड़ु भार होगा उसी में एक का भाग करना है, यानी उसके अड़ु भार जितना ही वो तुल्यांकी भार होगा, NaCl का तुल्यांकी भार आ जाएगा 58.5, क्योंकि अड़ुभार भी होता है 58.5 गुणे 1000। 2 शून्य 2 शून्य कट गए, यहाँ पे हमने जो है 1 शून्य बढ़ा दिया तो 0.0 कट गए, 585 10 रह गया, 0.0 कट गया, तो यन आया आपका 1/3, या फिर हम कहें नॉर्मलता आ गई, नॉर्मलता कैपिटल एन आ गया 0.333 तुल्यांक प्रति लीटर। मात्रक जरूर रखेंगे, मात्रक आपको रखना, किसी भी क्वेश्चन में भूलना नहीं है, 0.33 तुल्यांक प्रति लीटर आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है? पूछा जाएगा 200 ग्राम जल में
जल में 200 ग्राम जल में करीब 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घोलने पर बिलियन की मोललता, यहां ध्यान दीजिएगा, मोललता की गणना करें, मोललता की गणना करें। तो मोललता की गणना आपने करनी है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, हम जानते हैं, यम डैश डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू अपान यम गुणे 1000। दिमाग में वही चीज हमें याद रखनी है कि भाई यम डैश जो है मोललता के लिए यूज होगा, तो लिख दिया आपने, हम जानते हैं यम डैश डब्ल्यू अपान, तो यम डैश हमें ज्ञात करना है, कैपिटल डब्ल्यू हमारा 200 ग्राम है, स्मॉल डब्ल्यू हमारा 40 ग्राम है, अणु भार कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है गुणे 1000। अरे कैल्शियम का 40 होता है, कैल्शियम का कितना होता है 40, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन 16 तिया 48, तो 48 12 60 40 100। हाँ सही। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दो शून्य कट गए और ये शून्य कट गया, यानी यम डैश बराबर आ गया 4, या फिर लिख सकते हैं हम मोललता, यानी यम डैश बराबर आ गया 4 ग्राम, सॉरी 4 मोल प्रति किलोग्राम। या मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप हमेशा जो है मोलल इस तरीके के फॉर्मूले का यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है, एक टाइप के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें मोलरता नॉर्मलता या मोललता दिया गया होता है और विलेय का भार या अणु भार या फिर जो है विलयन का आयतन पूछने लगता है, तो उसे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। 1.5 नॉर्मल, 1.5 कैपिटल एन नॉर्मल वाले एन ए ओ एच विलयन में एन ए ओ एच का भार ज्ञात करें करें यदि विलयन का आयतन आयतन 500 ml हो तो। ये क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो है NaOH का भार यानी स्मॉल W ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बाकी सब चीजें दिया हुआ। मैंने कितनी बार कहा है कि यार इन सब में अगर आप ये सब रखने जाएंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। आपके पास हम जानते हैं बहुत अच्छा वो तीन फार्मूला आपने जो याद, वो तीनों तो एक ही तरीके है ना, बस ध्यान क्या रखना है कि मोलरता में अणु भार होगा, नॉर्मलता में तुल्यांकी भार होगा और मोललता में कैपिटल W होगा, विलायक का भार होगा, यही तो ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन नॉर्मलता से रिलेटेड है तो हमने लिख दिया हम जानते हैं n भी बराबर W अपान m। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया कि ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट NaOH के लिए, तो आप तो मैंने थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें भार क्या था। NaOH के लिए आप अभी तुरंत जो है क्या कर देते, यमी की जगह 40 रख देते क्योंकि आपको हरदम याद है। अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको कम से कम यमी निकालना पड़ेगा, ये तो समझिए, इसलिए मैंने चेंजिंग कर दिया। अब आपको नॉर्मलता 1.5 दिया ही गया, भी कितना दिया गया है, भी दिया है 500 ml का आयतन, डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है और यमी आपको निकालना है। तो यमी है तुल्यांकी भार और तुल्यांकी भार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए किस प्रकार से होगा, कैल्शियम का होता है 40, 16 × 1 17, 17 × 2 = 34 और 40 × 34 कितना हो गया 74, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार हो जाएगा 74/2 क्योंकि 2 OH है, तो 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, तो इसका आ जाएगा कितना 37 तुल्यांकी भार। उम्मीद करता हूँ आपने रिवीजन अच्छे से किया हुआ है इसलिए आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने दिया हुआ है कि तुल्यांकी भार कैसे निकाले वो आपको देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ से हम W बराबर ले लिए, यहाँ से 500 × 2000 तो हमने कर दिया, अब W जो है वो हो जाएगा 1.5 × 37/2, यानी कि हम यहाँ से अगर W निकालना चाहें तो 15 सते
105 हाथ से लगे 10 45 10 55 5.2 बटा 2 2 4 2 7 14 2 7 14 और 2 5 27.5 ग्राम डब्लू जो है इस क्वेश्चन में घुला हुआ। बहुत इजी स्टेप है, आपको क्या करना है वही जो है एकदम इजी इजी क्वेश्चन के आंसर जो है रखने, यानी एम भी बराबर डब्लू अपान एम गुड़े 1000 आया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नॉर्मलता से पूछा हो, मोलरता से पूछा हो, मोललता से पूछा हो, तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम अगला क्वेश्चन रखेंगे जो है मोल प्रभाज के संदर्भ में। और मोल प्रभाज वाले क्वेश्चन से को जानने से पहले 9 भी बज गए हैं मेरे पास, गजब देखिए टाइमिंग का इतना अच्छा अंदाज है कि 9 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा सा मैसेज तब तक छोड़ दूं, नहीं तो बच्चे मेरे परेशान हो रहे होंगे कि अभी तक मैसेज नहीं, लेट कर देते हैं सर हमेशा से। तो मैं यहाँ पे क्लास 12th वाले ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ से मैं मैसेज छोड़ देता हूँ कि आपकी क्लास आ गई है। और यहाँ पे मैं एक मैसेज और रखूंगा, यहाँ पे मैं एक मैसेज और रखूंगा, देखिए यहाँ पे मैं मैसेज रखूंगा कि आज आपको नाम के साथ जो है अपने बुक का नाम भी रखना है, अटेंडेंस के साथ आप जिस किताब का अध्ययन करते हैं उसका नाम भी लिखें, लिखें। तो ये जो था आपका आज हम क्या पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल टिप्स। दो वीडियो आएगी इसकी और होमवर्क आप हमारे पर्सनल नंबर पर ही भेजें, ये हमने जो मैसेज छोड़ दिया, मैसेज जैसे ही हमने छोड़ा अब हम ग्रुप इन्फो में जाके इसे सार्वजनिक करेंगे ताकि सारे बच्चे अपना अटेंडेंस लगा सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे रेडी रहते हैं, जैसे ही जो है हम ग्रुप हटा देते हैं तो बच्चे जो है कंटिन्यू होना शुरू कर देते हैं। देख सकते हैं आप लोग जो है कि बच्चे जो है मैसेज मतलब अटेंडेंस लगा देते हैं कि हाँ सर हम रेडी हैं आगे की क्लास पढ़ने के लिए। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल टिप्स का जो है दो वीडियो लॉन्च करना है, एक मैंने ऑलरेडी बना दिया है तो उसे अपलोड करना है और दूसरा ये वाला हमें जो है अपलोड करना है। और बच्चे जो है ऑलरेडी देखिए अपने नाम के साथ बुक का भी नाम रख रहे हैं, एनसीईआरटी रख रहे हैं सभी बच्चे जो हैं, तो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं वो। तो एनसीईआरटी का तो मैं स्पेशल बनाऊंगा ही बनाऊंगा वीडियो, लेकिन जो अन्य प्रकाशन की किताबें भी पढ़ते हैं जो हाई लेवल की जिनके इंटर के बाद अपने तैयारी करने का भी वो है, तो उनके लिए भी मैं क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है मोल प्रभाज के संदर्भ में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। तो चलिए मोल प्रभाज में क्या आएगा कि यदि अगला एक क्वेश्चन आपका मोल प्रभाज के संदर्भ में, और जिसमें हमने विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालें इसका हमने दे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि यदि 40 ग्राम ले लेते हैं या फिर 60 ग्राम ले लेते हैं, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि C2H2O और C2H5OH यानी 12 × 24 46 ग्राम लेते हैं। चलिए यदि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, यहाँ पे आपको एथिल अल्कोहल का फार्मूला आना चाहिए क्योंकि आप 11th में पढ़ चुके हैं और नहीं जानते तो मैं ब्रैकेट में लगा दे रहा हूँ कि एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है। तो यदि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 90 ग्राम जल में मिलाया जाए तो
एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल वह जल का मोल प्रभाज ज्ञात करें, का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो जैसे ही आप जो है हम यहां पे देख रहे हैं कि आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, मोल प्रभाज के लिए एन और कैपिटल है, एन विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या, तो मोल की संख्या निकालना होगा। यानी एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, जिसे हम विलेय मानते हैं तो स्मॉल एन लिखेंगे, और इसका भार दिया है 46 ग्राम, और इसका अणुभार एथिल अल्कोहल का आप अणुभार निकालेंगे तो वह भी कितना आ जाएगा, 46, 46 से कम 46। इसी तरह से जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी कैपिटल एन, और जल का है 90 ग्राम, और जल का तो अणुभार हमें बचपन से ही पता है 18 होता है, 18 पच्चे 90। इस तरीके से अगर हम जो है अब निकालेंगे कि अतः एथिल अल्कोहल, अल्कोहल का मोल प्रभाज जो कि क्या होगा, यन अपान यन प्लस कैपिटल एन होगा। तो यन है आपका 1/1 + 5 यानी 1/6। 1/6 अगर मैं करूं तो 0.1, 40 आ जाएगा, 6 6 36, फिर 40 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.166। अब यहां से मैं निकालूंगा किसका, जल का मोल प्रभाज, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि जल का मोल प्रभाज यन अपान यन प्लस कैपिटल एन से भी निकाल सकते हैं, जिससे आपका 5/1 / 5 यानी 5/6 आएगा, जो कि आपका आ जाएगा करीब कितना, तो 0 आ जाएगा 6 8 48 8 और 3 4। या फिर आप निकाल सकते हैं इस माध्यम से भी कि जल का मोल प्रभाज, जो मैं तो कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि अगला ये इससे ना करें, आप इससे ही करें, तो जल का मोल प्रभाज यानी 1 - विलेय का मोल प्रभाज कितना, 0.166, और इससे करेंगे आप तो 10 में 6 गए 4, 9 में 6 गए 3 और 9 में से 1 गए 8, 10 में, ये आंसर हो गया। यानी करने को तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डबल रिकमेंड करूंगा कि आप जल का मोल प्रभाज इसी माध्यम से निकालें। तो ये तो थे आपके कुछ न्यूमेरिकल टिप्स, और एक एक उदाहरण मैंने पूरी कोशिश की हुई है कि आपको न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करूं। अब आप जो अटेंडेंस लगाए हैं बच्चे ग्रुप में, तो वो जिन जिन बुकों का अटेंडेंस लगाए हैं उन उन बुकों से हम जो है न्यूमेरिकल उठाएंगे, और आप उन सभी बुकों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपनी पढ़ाई जारी रखते रहें, लॉकडाउन का पालन करें, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।